अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह आप सब ठीक ही होंगे। मेरी तो आंखों में से पानी निकल रहा है। मुझे हाईवे जाना है अभी अर्जेंट, थोड़ा बैंक में काम है। और इतनी सर्दी है कि 5 टेम्परेचर है। अभी तक तो मेरा हाल 4 हो गया होगा। ये अपने डॉगी को लेके जा रहे हैं थोड़ा सा वॉक कराने, क्योंकि यहाँ पे यूरिन पोटी करनी है ना, तो डॉग खुद बता देते हैं। ये जी मारिस है, सबको सलाम कह रहा है आपको। वालेकुम सलाम। इतनी पैकिंग के बाद भी हमें बहुत सर्दी लग रही है, और अभी हाईस्ट्री जा रहे हैं, बैंक भी 1 घंटे में बंद होना है। अभी 4 बजे हैं तो रात किसी हो गई है। बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है मुझे, मैंने इसलिए इतना मोटा ये पहना है, और फुल मैं टाइट हो गई, ऊपर से जैकेट, अंदर ये जंपर, और उसके अंदर भी टी शर्ट, फिर भी बहुत ठंड है। चलें फिर हाई स्ट्रीट पहुँच के देखती हूँ, जितना कुछ मैं कैप्चर कर सके तो कर लूँगी। कौन सी वीडियो? यूट्यूबर जो गया था, जिसने वर्ल्ड गया था, फिर फलसम गया था। आई डोंट नो, वो ही आदमी के 2 बच्चे हैं वो। हाँ, वो पढ़ने हैं। वो जो तो यहाँ पे हाई स्ट्रीट में कहीं रहता है, वो भी जीपीएस पढ़ता है। ये जब हम लोग ईद की नमाज पढ़ने गए थे वहाँ भी आया था बच्चों के साथ, वहाँ भी जीपीएस पे पढ़ा बच्चा बन ये बच्चा बन के नहीं, इन लोगों के जो कोर्स कंप्लीट नहीं हुए थे पढ़ाई है यहाँ पे, तो यही यहाँ पे यही तो एक बात अच्छी है कि जो लोग जो भी एज में अपनी स्टडी कंप्लीट करना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। चलो बात रिकॉर्ड कर दी बहुत जी। हम हाई स्ट्रीट पहुँच गए हैं, वहाँ पे बस उतरी है, वो आगे क्वालिटी फूड भी है, टेस्को का छोटा स्टोर है, और अभी क्रिसमस आ रहा है ना, तो उसकी वजह से ये हाई सीट की ही बैक साइड पे वो है एजरा। इधर से भी बस आ रही है फोटो से, ये अभी क्रिसमस की वजह से पूरी लाइटिंग वेटिंग होनी शुरू हो गई है। ये यहाँ पे भी खाने कपड़ों का स्टोर लगा दिया लीवा, वो CFC यहाँ से वार से अक्सर खाते हैं। नहीं ये मार्केट प्लेस अच्छा बड़ा मैं दिखाया हुआ ऑलरेडी अपने भी लोग में, ये टीके मैक्स है माशाल्लाह, वो सामने HM नेक्स्ट, सारी ही मार्केट ऐसे ही। मार्केट का एंड होता है ना तो बस गैरेज आता है, और बस गैरेज के सामने ही फ्राइडे को ओपनिंग है, वही मैंने बताया है। वो क्या नाम है, मज़ेदार। अच्छा मैं हम मज़ेदार कहने के टेस्टी कहना कहने वाली होती हूँ। नेट बेस्ट नेक्स्ट में, अभी तो मुझे बैंक ही जाना है तो फिर वापस में। ये पार्लर बहुत फजूल से पार्लर है, मैंने कराया है काम यहाँ पे, एक एक काउंटर मुख्तलिफ लोगों का। चलो ये तो अपने फ्रेंड से बातें कर रहे हैं, पता नहीं कितना खूबसूरत ड्रेस है। चलें ये तो TT सेंटर है, बस काफ़ी टाइम ही हो गया मैंने भी हो गई बात। चलो प्राइमार्क आए हैं देखने, माशाल्लाह प्राइमार्क ये क्यों देखें ज़रा देखना। ये मैं जो एक जंपर लिया था वो वापस करना था, उसको मैं घर छोड़ आई हूँ, उधर लगे में हैंड बैग्स काम वगैरह। मैंने तो कहा था वो शूज देखने थे, वो काले वाले कैसे थे, वो लगे हुए हील्स वाले। अब यहाँ पे वैरायटी हौसलों के हिसाब से ही होनी है ना। ये देखो वो जो कहता कि ये वो लिया था ना ये फ्रोजी वाली, ये ब्लैक में है, अच्छी है। वो जो देखनी आई ना मैं शूज, वो नहीं नज़र आएंगे, जो मर्जी हो जाएगी। मैं कहती हूँ ना जब किसी जगह पे जाते हैं ना उसी के हिसाब से वैरायटी रखते हैं। वो जो मैंने अपनी बहन के लिए स्लीपर लिया है वो नगों वाले, वो यहाँ पे वो भी नहीं है, इसमें वाइट में ब्लैक सही लग रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, और आपकी दुआ से हम सब भी ठीक हैं। अल्लाह ताला मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती, ज़िंदगी, सेहत दे,
और आपके जितने इर्द गिर्द हैं और आपकी फैमिली में है सबको अल्लाह ताला खुशियाँ नसीब हो। और जो मेरे जानने वाले हैं, जो मेरा फ्रेंड सर्कल भी है, जो मेरी फैमिली भी है, अल्लाह ताला उनको भी तंदरुस्ती दे, सेहत दे और उनकी भी दिली और नेक ख्वाहिशें पूरी हो। और सबको अपने बच्चों की परेशानियों से अल्लाह ताला बचा के रखे। जो लोग परेशान हैं आपके हमारे अलावा भी, अल्लाह ताला सबकी परेशानियाँ दूर हो। और सबसे ज़्यादा मैं प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ज़ाहिर है मेरे ना मेरे कहने की ज़रूरत नहीं, सब लोग कर रहे हैं फ़लस्तीन के लिए दुआएं, फिर भी मैं अपनी तरफ से एक ज़िम्मेदारी समझ के ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से आप लोगों को अल्लाह ने इस काबिल किया कि आप लोग अल्लाह के दो नफल पढ़ें या रोज़ दुआ करें, हो सके तो दो नफल रोज़ के बराए हिफाजत पढ़ें मुसलमानों के लिए और फ़लस्तीन के लिए लाजमी पढ़ें। और इंशाल्लाह पता नहीं अल्लाह ताला किसकी दुआएं कबूल कर ले, अल्लाह ताला उनके ऊपर रहम करे, हम पर भी रहम करे और अल्लाह पाक सारे मुसलमानों के ऊपर, जहाँ जहाँ मुसलमानों पे परेशानी है ज्यादती हो रही है, अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए। चले मैं गई थी हाई स्टे, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे ब्लॉग स्टार्ट किया था तो मैंने यहाँ से कर दिया, लेकिन बहुत सर्दी, जितना मैं बहुत कर रही हूँ ना समझ लें कि टू मच सर्दी। अभी भी टेम्परेचर घर के बाहर, घर के अंदर 4 है तो बाहर तो 2 मच है। तो मैं वहाँ पे ब्लॉग थोड़ा सा बनाया कि कभी क्रिसमस आ रहा है, कभी सेंटर लंदन, जिधर जिधर जो भी प्लाजे हैं या मार्केटें हैं आहिस्ता आहिस्ता वो सजा रहे हैं, लाइटिंग कर रहे हैं। मैं प्राइमार्क गई हूँ या टीके मैक्स गई हूँ, प्राइमार्क मैं थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, उसके बाद मैं पता नहीं कितनी शॉप के अंदर आते आते ना बस स्टॉप तक आते थे, कितनी दुकानों के अंदर गई हूँ, कभी उस दुकान कभी उस दुकान, सिर्फ 2 मिनट के लिए सर्दी को रोकने के लिए, अंदर उनके हीटिंग सिस्टम होते हैं तो चलो कोई बात है थोड़ा सा हीट लेके आ जाते हैं, वापस आ जाती थी मैं, पर जल्दी जल्दी वापस आ गई कि मुझे पता था हम लगे, मैंने खाना भी पकाना था। लेकिन शुक्र है ना कि मैं एक चीज़ अच्छी कर गई, राइस में बॉयल करके चली गई थी, क्योंकि पालक गोश्त तो अल्लाह का शुक्र है कल रात को ही ख़त्म हो गया, ये सही पालक गोश्त के बाद वाला ब्लॉक है और दूसरा दिन ही है। अगर देखो जैसे कि मैं अभी वो पालक गोश्त का ब्लॉक लगेगा उसके बाद ये भी फौरी लगना ही चाहिए, अगर जैसे ही होता है ना, सब बिजी होते हैं, बेटा भी बिजी होता है, हस्बैंड भी बिजी, तो टाइम होता है तो फिर वो एडिटिंग करके लगा देते। मैं नहीं करती एडिटिंग क्योंकि मुझे आती ही नहीं, मैं भी सीख लूँगी अगर मैंने मेरे पास भी टाइम हुआ तो। देखिए घर की जो औरतें होती हैं ना हाउस वाइफ, इनके पास भी टाइम नहीं होता, मैं हाउस वाइफ हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास टाइम है काम करना। 50,000 दफ़ा तो समझ रहे मैं किचन को साफ करती हूँ, मैं 50 दफ़ा नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी 50,000 दफ़ा, क्योंकि मेरे जितने भी जानने वाले सबको पता है मैं किचन का बहुत करती हूँ, चाहे मैं अपने घर हूँ चाहे मैं किसी के घर हूँ। एनीवे आज मैं बनाने लगी हूँ दाल चिकन, और कल मतलब कल पालक चिकन बनाया था, अभी भी रास्ते में जल्दी जल्दी मैंने, क्योंकि मीट बनाने में खड़े होने मैं तो शॉप के अंदर खड़ी नहीं हुई थी, मैंने उसको बोला बस जल्दी से बस चिकन तुम लेके आ जाओ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं दाल चिकन। ये देखिए दाल मैं अच्छी तरह मिक्स कर गई थी, यानी कि ये क्योंकि मुझे ना दाल प्रॉपर मिक्स ही अच्छी लगती है। राइस भी मैंने हैंड में कैमरा पकड़ा हुआ साथ में लाइट, इसलिए कैमरा ऐसे 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 जैसे जलजला आ गया ऐसे कहाँ पर है। और ठीक है शुक्र है राइस भी बॉयल हो गए, दाल अच्छी तरह मिक्स हो गई है, अब भी सहरा जी बनाएंगे अच्छी तरह सब अच्छी तरह मसाला। चले जी मैंने इसके नीचे आग जला दी है और अब इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है ऑयल डालती हूँ मैं, फिर साथ ही मैं अनियन डाल दूँगी। आज दाल चिकन भी माशाल्लाह टेस्टी बनेगा इंशाल्लाह, पालक चिकन भी बड़ा ही टेस्टी बना जैसे मैंने बनाया आप लोग भी बनाए। और मैंने यकीन करें डब्बे का पालक जब स्टार्ट किया ना, ये डब्बे वाला बहुत बहुत टाइम के बाद बनाया ये डब्बे वाला, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा। चले जी बिस्मिल्लाह, ये आजकल ये वाला ही ऑयल आ रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज में बहुत ही ज़्यादा डाल रही हूँ फिर थोड़ा अच्छा बन जाएगा। ये देखिए प्याज थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, दाल भी ज़्यादा ही है अभी इसने हो के क्या कहते हैं कलर जब चेंज होना थोड़ा हो जाएगा। तो मुझे हम लोग बस जल्दी वापस आके, मुझे आइडिया था ना थोड़ा सा, मैं हौसला था मुझे कि मैं दाल को
मतलब गिला के आ गई हूँ, उसको मिक्स करके आ गई हूँ अच्छी तरह। और चीज़ें भी से भी मैं काट कर गई थी क्योंकि मुझे लगता था कि शायद मैं लेट ना हो जाऊँ, किसी शॉपिंग वगैरह में बिज़ी ना हो जाऊँ। फिर भी शॉपिंग वगैरह तो इतनी की नहीं भाई, एक दो तो शॉप के अंदर गई हूँ। मैंने कहा नहीं सारा आज तो रहने दो, आज तो भी दिल ठंड है, किसी मॉल के अंदर चाहिए ना। चलो जी और बात है, देखो जी अनियन में साइड पर ही जली गई थी ना, और चम्मच भी मेरा गर्म हो गया। मुझे इसी तरह चिकन अच्छा लगता है, इतनी बड़ी होती। चलो मोली है अभी, मैं ये देखें हल्दी नमक रेड मिर्ची काली जीरे का पेस्ट और ये मैंने जीरा पाउडर डाल दी, सूखा धनिया भी मैं डाला। बाकी आप अपने जायके के मुताबिक अपने टेस्ट के मुताबिक चीज़ें डालें। बस देखो प्याज का पता भी नहीं चल रहा, मुझे लग रहा था प्याज ज़्यादा ना हो जाए, लेकिन नहीं ठीक है शुक्र ऑयल तो कम लगता ही है हमेशा। अभी तीन में मैं टमाटर भी डाल रही हूँ, मैंने तो तीन टमाटर डाले हैं, मीडियम टमाटर थे और तीन थे। चलो जी पक जाओ भाई साहब। तो मैं ना थोड़ा सा ना दो टेबल स्पून लेके जा उसके ऊपर देसी घी का भी तड़का लगाऊँ, बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाएगा, मज़ीद सोने पे सुहागा हो जाएगा। अच्छा भी थोड़ी सी इसकी बनाई रहेगी, इसको ना 5 मिनट के लिए इस तरह उसको कैप करके रख देते हैं और फिर मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ। जी अभी इसको मैंने 5 से 10 5 7 मिनट के लिए रख दिया था ढक के, और ये माशाल्लाह काफ़ी हल्की आँच पे भूनता रहे, तो फिर मैंने 2-3 मिनट 1-2 मिनट खुद भी भुना है। ये पैन वाइन निकाल दिया था और ये भी मैंने निकाला है, और मैंने कढ़ाई भी निकाल के रखी साइड पे, और ये स्टैंड की फिर मैं गर्म चीज़ें साइड पे रख दूँगी। तो अभी ये इसकी काफ़ी भुनाई हो गई है, चलें इसके अंदर दाल मिक्स करते हैं और क्या क्या चीज़ें और ऐड करनी है वो भी मैं आपके साथ ऐड करती हूँ। ठीक है चलें ओके जी। काफ़ी घंटों से मिक्स होके ऐसे पड़ी रही है ना, ज़्यादा ठंडी थी, इसको बदला इसको अंदर कर दो। अभी इस जब हमने इसको फिनिश करना है ना, एंड करना है, तो उस वक्त हमें नमक चेक करना है कि नमक कम है या ज़्यादा है। ज़्यादा आएगा तो दाल शोरबे में तो नमक कम हो ही जाएगा, किसी भुनी हुई चीज़ों में मुझे नहीं आइडिया, मुझे पता भी नहीं है। चलो दाल में तो चलो जी आटा गूंद कर डाल देंगे थोड़ा सा, उसको सख्त करके पेड़ा सा बना के, तो नमक कम हो जाएगा। अब तो खैर इसका आइडिया मुझे हो ही गया है, आइडिया काफ़ी कम है। चलो बिस्मिल्लाह, ये मैं गरम मसाला बेबी डाल रही हूँ, इसी तरह अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। चलो सारा जल्दी 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 जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह तेरी बहुत मज़े की लग रही है। आप यकीन करें वो पानी मैंने उबला हुआ पानी आज नहीं डाला, वरना मैं हमेशा बॉयल पानी ही डालती हूँ कुकिंग के अंदर। अभी इसको मैं बॉयल करती फिर टाइम में होता तो मैंने इसलिए वो डाल दिया, क्योंकि अभी चूल्हे के ऊपर इसी के साथ पानी भी हो ही जाएगा। ये देखा ये थी ना, जैसे घी के साथ वैसे ही टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। सिर्फ 2 टेबल स्पून डालूँगी, सिर्फ इतनी ज़्यादा डाल रहे हैं क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है ये गर्म हो गया बिस्मिल्लाह, चलो जितना भी हुआ ठीक है ना। अभी इसके अंदर मैं डाल रही हूँ धनिया हरी मिर्चें, ये सारी डाल दूँगा। चलो
हाँ जी चलो ये हो गया। अरे वाह क्या खुशबू आ रही है देसी घी की दाल की। अब ये देखें जी सारा का कमा, और इसको खाएं मज़े से इंजॉय करें। चले जी ये दाल हो गई मेरी रेडी। अभी मैं जब इसको डिश आउट करूँगी बाद में दिखाऊंगी, और इसको मैं रखूँगी इधर स्टैंड के ऊपर, ठीक हो गया। इसको साइड पे सारा का, क्योंकि मुझे यहाँ पे कढ़ाई रखनी है। बिस्मिल्लाह उसको मैं साइड पे स्टैंड पे फिलहाल रख दूँ। ये ले जी अब ये कढ़ाई आ गई। सेम ये मैंने तोड़ के ऑलरेडी रखी हुई है, ये दो पैकेट थे, मेरे पास तीसरा पैकेट भी है, मुझे कम लगी तो पैकेट के अंदर इसको तोड़ के दोबारा डाल देते। ये मेरे पास ये वाला पैकेट था घी, देसी घी में बनाएंगे भाई। और मेरे पास बादाम भी नहीं है, बादाम अगर मेरे घर मेहमान आएंगे ना तब डालूंगी, क्योंकि हम लोगों ने तो बादाम चुन चुन के निकाल के फेंकने हैं। इसके जो दाने हैं ना इलायची के, वो मैं निकाल के फेंक रही हूँ, डाल रही हूँ। एक्चुअली मैं थक गई हूँ ना, वहाँ से भी हाइसी से भी फिड़के आए, तो मैंने पैकेट ही रखा हुआ है। इसकी कितनी अच्छी खुशबू आ रही है यार, ये इलायची पाउडर मैं डाल दूँगी मैं तो। और डाल दिया, आग मैंने बिल्कुल कम कर दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये देखें, ये ऑलरेडी ना इसके ऊपर लिखा हुआ है पैकेट के ऊपर रोस्टेड, मुझे तो कम ही लग रही है। मैं तीसरा पैकेट भी सोच डाल दूँ, क्योंकि फिर किसी और ने भी खानी है, हमने अकेले ने तो खानी है। ये मैं थोड़ा डाल देती हूँ अल्लाह ताला के सपोर्ट से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम थोड़ा सा ही बस, और हल्की आंच में, पता है क्या ये बहुत जल्दी से गल भी जाती है। साइड पे लगा से गर्म करके बनाऊंगा, मैंने तीसरा पैकेट भी डाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्लीज़ अच्छी तरह बनना, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, बेइज्जती ना करा देना यूट्यूब पे। फिर मैं बाद में शुगर वाइट भी है फिर देखती हूँ। अच्छा इसको देखा कितना खूबसूरत कलर है, अब मैं इसको थोड़ी सी आंच कम कर दी है। मछली इसमें माशाल्लाह, आज तो मैंने चावल भी बनाए। जब आपने चीज़ें करनी है ना तो अल्लाह ताला मदद करते हैं, सब बन जाते हैं। वैसे भी ना ये काफ़ी बारीक है सेवी, नहीं इंशाल्लाह सब ठीक होएगा। चलो जी इसको ज़रा अभी हल्की आँच में पकने देते हैं जी। अभी इसको ना मैंने 5-10 मिनट रखा था सेवियों को दम में, वो मैंने अभी चेक किया है, मतलब कुकिंग हो गई है, बस थोड़ी सी रह गई है। अभी ये भी दम में ऐसे तुम समझ लें कि 5 मिनट हो रहे हैं, तो उतनी देर मैं अपना सैलड बनाती हूँ, रायता बनाती हूँ और आपको साथ ही खाती हूँ। पुदीने की चटनी, चटनी बनाने का कितना फ़ायदा है कि आप कभी भी कुछ भी बनाना है खाना है तो साथ आप निकाल के बना सकते हैं, वो मैं अभी आपको दिखाऊँगी। ब्रेक ब्रेक करके रखा हुआ है ये देख लें, उसको ऐसे काट के थोड़ा थोड़ा मैं इस बोल के अंदर इसको डालने लगी हूँ। ये मेरा ग्रीन सैलेट हो गया है, बस जो भी है ग्रीन सैलेट ये है। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना दूसरा रायता, इसके अंदर दही डाल रही हूँ मैं। ये तो फ़ायदा होता है योगर्ट का घर पे, अगर नहीं होता तो फिर मैं ज़ाहिर मंगवाती। और इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करने लगी, थोड़ा सा आग बेशक दूध ऐड कर ले या पानी ऐड कर ले, वैसे फिलहाल तो मैं पानी ऐड करने लगी। ज़्यादा ही ना वो हो गया है सख्त, लेकिन इतना नहीं है। ये अभी इसके अंदर हमने ग्रीन चटनी भी ऐड करनी है, किधर है, ये होता है ग्रीन चटनी बनाने का फ़ायदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भाई साहब ख़त्म नहीं हो देनी चाहिए घर में। ये ले जी, और दूसरी कोई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है, चटनी में सब कुछ है, हरी मिर्चें हैं, आमचूर का पाउडर है, लेमन जूस भी है, फ्रेश लेमन जूस में डाला था, हरी मिर्चें हैं, धनिया है,
इससे मैं थोड़े और डाल देती हूँ हाजमे के लिए, है ना। चलो जी, अभी थोड़ा सा जो खीरा है ना मेरे पास, इसको मैं कद्दूकस करने लगी हूँ। और ये सारा खीरा इसके अंदर, इसका जो भी थोड़ा बहुत पानी है वो नीचे ही ड्राई हो रहा है, अगर बीच में भी चला गया तो कोई बात नहीं। दाल होए या कुछ होए, अगर चीज़ें थोड़ी बहुत साथ हो जाए ना, क्योंकि जब कुछ भी ना घर पे होता था मैं ना लेके आती तो मैं अचार खाती, खाली चटनी खाती, कुछ तो साथ जरूर खाती। हो गया, ये ठीक हो गया। चले जी, सेवियाँ रेडी हो गई माशाल्लाह, बिल्कुल सही है, मीठा भी सही है। और अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। हाँ जी, मैंने अभी आपको सेवियाँ दिखाई थी ना, तो सेवियाँ रेडी हो गई हैं, सैलड रहता भी मैंने बना लिया है। चले अब आपको मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। जैसे ही मैं डिश आउट करके दिखाने लगी हूँ डिश आउट, तो उससे पहले जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। चले मैं डिश आउट करती हूँ, आपको भी दिखाती हूँ। चलो जी, चावल मैंने रख दी यहाँ पे, बीच में चावल रख देती हूँ, फिर यहाँ से हम लोग ना खा लेंगे। माशाल्लाह सेवी अच्छी बन गई है, दाल भी बहुत टेस्टी बनी है। अब है सारा के पेट को जाकर टाइम। चलें जी, खाना रेडी हो गया है, दाल चावल मैंने बुला लिए, दाल चिकन एंड सेवियाँ, माशाल्लाह सेवी भी बन गई। और अभी मैं फिर ख़त्म भी दे दूँगी चीज़ों पे, फिर मैं बैठ के खाऊँगी। रहता सैलड आपने सब देखा, पुदीने की चटनी घर में लाजमी बना के रखें, कभी भी किसी चीज़ में भी ऐड करके खा सकते हैं। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लाइक वाओ। इसी के साथ सायरा को इजाज़त है, अब मैं खाना खाती हूँ और साथ में स्वीट डिश में सेवियाँ खाती हैं आज मैं बनाई हैं। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी तंदुरुस्ती सेहत दें, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा, अपने माँ बाप अपने बहन भाइयों का भी ख्याल रखें। जिन जिन लोगों ने मेरा सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जल्दी प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट किसी अच्छे और नए ब्लॉग में मिलेंगे, उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।